नमस्कार दोस्तों, फैक्टिफाइड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, और इंडिया में इसके फादर हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वीट रेवोल्यूशन। ये एक वीट ब्रीडर है, ठीक है, और वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं डॉक्टर एनी बोरलॉग। ये एक क्या है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा जो बुक लिखी गई है वीट रेवोल्यूशन। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन हमारा मिल्क से रिलेटेड है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है जो कि 1970 से 1996 के बीच शुरू हुआ था, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन हमारा फिशीज या फिश से, या फिश कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। एक बात और ध्यान रखना है, वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं वर्गीज कुरैन, ठीक है। आता है हमारा फोर्थ नंबर ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन हमारा फूड प्रोसेसिंग या फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको फर्टिलाइजर में ग्रे रेवोल्यूशन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन हमारा ऑयल सीड मेनली मस्टर्ड के प्रोडक्शन को इनक्रीज करने के लिए यूज हुआ था, ठीक है। दूसरा सिक्स नंबर हमारा आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और इसके फादर हैं डॉक्टर KL चड्ढा। ये एक पोमोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेवन नंबर राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन हमारा पोटैटो से रिलेटेड है। पोटैटो को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एट नंबर पे रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सभी सेक्टर को मिला के सभी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रेनबो रेवोल्यूशन यूज़ किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बायोफ्यूल या जेट्रोपा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन या हम लोग कह सकते हैं पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है ई रेवोल्यूशन। ई रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे हम लोग डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन हमारा ओनियन प्रोडक्शन या हम लोग कह सकते हैं प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद है प्रबनी प्रोडक्शन। प्रबनी प्रोडक्शन हमारा एग्रीकल्चर में ओकरा प्रोडक्शन, जिसे हम लोग लेडी फिंगर या भिंडी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के रिलेटेड है। आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन एग्रीकल्चर डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है एरिलोमीटर। एरिलोमीटर मेजर्स वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेज, ठीक है। ये वेट और डेंसिटी ऑफ एयर और गैस मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। उसके बाद आता है एल्मोनोमीटर। एल्मोनोमीटर मेजर्स द इवापोरेशन रेट, इवापोरेशन फ्रॉम बॉडीज। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर हमारा होता है मेजर करने के लिए ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की वृद्धि को मापता है। उसके बाद हमारे पास है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है क्या, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर शुगर केन के जूस ब्रिक्स वैल्यू को मेजर करता है। शुगर केन की जूस की जो ब्रिक्स वैल्यू होती है उसे ये मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेरोमीटर। ब्यूटेरोमीटर मेजर्स द फैट कंटेंट इन मिल्क, ये हमें याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फैट कंटेंट के लिए हमें लैक्टोमीटर कहते हैं कि फैट कंटेंट लैक्टोमीटर से नापा जाता है, लेकिन वो गलत है।
हमारा ब्यूटेरोमीटर यूज़ होता है फैट कंटेंट को मापने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ मेजर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ क्या करता है, ह्यूमिडिटी को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर मेजर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है लाइजीमीटर। लाइजीमीटर मेजर्स द एक्चुअल इवापोरेशन विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट या विच इज इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द परकुलेशन एंड लीचिंग। ठीक है, इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन प्लस ट्रांसपरेशन को दोनों को मिला के इवापोरेशन कहते हैं, उसको मेजर करने के लिए लाइजीमीटर यूज होता है। ये परकुलेशन और लीचिंग जो कि सॉयल में होती है उसको भी मेजर करता है। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर मेजर्स द रूट प्रेशर। जड़ में जो प्रेशर लगता है उसे मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। उसके बाद है पीजोमीटर। पीजोमीटर मेजर्स द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। जो वाटर टेबल की जो गहराई है या उसकी डेप्थ जिसे कहते हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास पेजोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद है प्लैनोमीटर। प्लैनोमीटर मेजर्स द लीफ सरफेस एरिया। इट मेजर्स द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर मेजर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी आर्द्रता है उसको मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइनोमीटर। प्राइनोमीटर मेजर्स टोटल इनकमिंग रेडिएशन। जितनी भी रेडिएशन आती हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास प्राइनोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है सैचुरोमीटर। सैचुरोमीटर यूज टू मेजर द कंटेंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन। ये शुगर सॉल्यूशन में शुगर के कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर मेजर्स द स्ट्रेस इन सॉयल। सॉयल में कितनी स्ट्रेस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास टेंसियोमीटर यूज किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपको अगर वीडियो लाइक करी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।